तैमूर साहब के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा ईद की बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? मैं चाहूंगी कि जरा आप अपना नाम बताएं सबको। नूरिया। और आपका? जावियान। नूरिया और जावियान हमारे साथ मौजूद हैं जो तैमूर साहब के बच्चे भी हैं। और जावियान तो मुझे मिनी तैमूर साहब लग रहा है ऐसा, क्योंकि उसने पूरे वो ब्लैक कपड़े पहने हुए, तो वो बाय वन गेट वन फ्री हुआ भाई साहब। क्यूटी बाय। तो जनाब नूरिया, आपसे बात करते, इतना प्यारा नाम है गुड़िया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, ईद मुबारक। और ईद पर क्या करती हैं आप? रिस्पॉन्सिबल सी हैं या आप भी मेरी तरह सोतू राम है, कोई उठाएगा जबर सोते हो? मैं भी सो रही हूँ, तू कोई आएगा उठाएगा तो उठूंगी। सेम केस विद यू, है ना? ऐसा ही है। तो यू आर बाबाज डॉटर है। आंखें दिखा रहे आगे कहीं और से नजर आएंगी। जावियान, आप कौन सी क्लास में है? फोर्थ में है। वेरी नाइस। तो आपने सुना है पहले भी कभी इंटरव्यू दिया हुआ है ना, तो आपको मजा आया था पिछली दफा? आया था, लेकिन इस दफा मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि आपको कितना मजा आया। डन डन, ओके फाइन। सो भाई ईद की बात करते हैं। सो ईद के दिन बकरीद पर आप लोगों को जानवर से मुलाकात होती है, देखते होंगे, तो आप लोग कौन से गोट्स पसंद हैं, काउस पसंद हैं? गोट्स, गोट्स, दोनों गोट्स पसंद। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है हमारे घर में? ऐसा होता है कि जब गोट्स आती है ना, तो जितने भी बच्चे होते हैं ना, सब अपना अपना, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते हो है? ऐसा करते हो राजा, ऐसा करते हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ऐसा जाता है ना। अगर आपसे मैं पूछूं नूरिया, आपको किस तरह का गोट पसंद है? व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, या व्हाइट ब्राउन, या ब्लैक व्हाइट, कैसा? ब्लैक। और आपको? ब्राउन। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब बाबा और मामा के बारे में पूछते हैं, ज्यादा किसके साथ वक्त गुजारते हो? दोनों अलग अलग बता। मामा के साथ आप कैसे, मतलब हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? अच्छा अच्छा, और ज्यादा क्लोज किससे हो? नहीं नहीं, आई एम नॉट गोना बाय दैट। नो नूरिया, सच में दोनों से? अच्छा, जावियान से दोस्ती कैसी? हाँ, बट नहीं कहना, नहीं दोस्ती है, नहीं है, नहीं है, वो इनकार कर रहा है, वो कह रहा है कोई दोस्ती नहीं है। Very nice, very nice. He's lying. Yeah. He's in the truth, they're besties. That's actually. They're not the besties. अच्छा, शरारते वगैरह करते ही हैं ना? बिल्कुल. बिल्कुल करते हैं. And अभी you know, he doesn't stay in his room anymore. शरारते क्या होती है इन लोगों की? तैमूर साहब को अगर पूछूं तो क्या शरारते करते हैं? शरारते सबके साथ होती है, ये अपने दादा दादी के साथ करते रहते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी करते रहते हैं और अम्मी के साथ फिर नहीं करते। वो एक मिनट में खुद करते हैं। अम्माएं तो होती है ऐसे, तो मस्तियां करने के लिए बैठा हूँ। नूरी तो दोनों ही स्वीट आर्ट्स हैं, मासूम। एंड शी इज गॉट अ एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। ओ, शमीर इज मार्शल आर्ट जस्ट टर्न्ड 18। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। एंड सफा इज 19। ओ माशाल्लाह। और ये लोग कहाँ हैं सर? शमीर इज इन लंदन। अच्छा। एंड सफा इज आउट विद माय वाइफ। अच्छा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा रौनक वाला घर रहता होगा। और ईद पर से आप बता रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी बता रहे हैं, बच्चे भी और फिर फैमिली भी, और कजन, बड़ी रौनक होती होगी। और उस वक्त में आपकी नींद कैसे पूरी होती है, मुझे ये समझ नहीं आता, जब इतने लोग होते हैं घरों में और इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, तो नींद कैसे पूरी होती होगी? नहीं, नींद तो हो जाती है, आप भी कैसे सोते होंगे? तो कौन ज्यादा सोता है दोनों में से? है सच में? और कौन जल्दी उठता है? हाँ, सीरियसली। और कौन ज्यादा पेटू है दोनों में से? फूडी? नहीं, ही डजंट ईट। व्हाट्स योर फेवरेट फूड डिश? यू लाइक स्पाइसी, नॉन स्पाइसी? चिकन और फिश? बिरयानी और दाल चावल? कोरमा और कढ़ाई? सो कॉफी और टी? चॉकलेट और डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट?
मिल्क चॉकलेट. ओह नाइस. ऑल चॉकलेट. ऑल चॉकलेट. अच्छा अगर मैं पूछूं कि लास्ट गिफ्ट बाबा से क्या जबरदस्ती लिया था. ये सच्चा बच्चा है हमारा. आप ऐसे कैसे बोल दिया हमारा बच्चा सच बात करे. वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. अपने पैसों से ली थी. हमारा बच्चा खुद अपनी साइकिल ले सकता है. ऐसे कैसे आपने बात किया यार. हमारे बच्चे ने खुद लिया. जी नहीं आप कहेंगे उसकी माया आंटी इज राइट हियर इन दिस रूम. हम आवाज उठा लेंगे. तुम टेंशन ही लो जाए. पप्पा बैठी है तुम्हारी. टेंशन ही ना लो. अच्छा जनाब तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट गिफ्ट क्या लिया था. तो नूरिया आपको याद है अपने बाबा से कोई चीज लास्ट जो ली हो जबरदस्ती. या आइडिया देती हूँ अब जो लिस्ट में चीज है नेक्स्ट बकेट लिस्ट में जो लेनी हो वो क्या है. देखा कौन सा फोन. Latest one ना है ना. तो please इसके बारे में इनके पास पैसे होंगे ना पॉकेट मनी से ले रहे हैं. ये क्या बात है. अच्छा ये क्या बात है. ये क्या बात है. बच्चों के पॉकेट मनी अपनी है और फरमाइश अपनी है. उसको फोन लेके देना पड़ेगा आपको. उसकी फुप्पो माया खान बन गई. अब तो मसला हो जाएगा. मना लिया है फोन लेने पे. वो शेयर फोन रखेंगे. यार ऐसे प्लान. दैट्स द प्लान. दैट्स फेयर ना. है ना. फिर तो हां शेयरिंग है. दिस विल दिस नहीं हो सकता. ये क्या बात है. ये चीज के हिसाब से चलेंगे. नहीं नहीं तो बच्चे अभी भी दे हैव अ फोन. दे फोर दिस. ओके लेटेस्ट लेटेस्ट लेटेस्ट. दे ऑलरेडी हैव अ फैमिली फोन. या चलो हम नया फोन लेकर रहेंगे. फिर तुम लोग मुझे सेल्फी लेके भेजना. सी माय आंटी हमारा नया फोन आ गया. इंशाल्लाह इंशाल्लाह डोंट वरी. अच्छा जनाब यहाँ पे बातचीत चल रही है और हम बच्चों से भी बात करेंगे. लेकिन अब जरा सा तैमूर साहब की तरफ वापस भी आऊंगी. बच्चों से बातें भी करती रहूंगी साथ साथ. बल्दियाती ऑब्वियसली इंतखाबात के हवाले से भी बात करनी है. कुछ सियासी प्लान्स के बारे में बात करनी है. लास्ट टाइम जब तैमूर साहब से बात हुई थी तो बहुत सारे प्लान उन्होंने से शेयर किए थे. तो अब वो प्लान्स में इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंची. क्या हो रहा है कराची वालों के लिए. हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आने वाले दिन हमारे लिए किस तरह बेहतरी ला सकते हैं. अब आम आदमी यानी अवाम के कुछ सवाल हैं और मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ. क्या जबरदस्त नुमाइंदा आपके घर आ गया था. ईद के दिन हमें तैमूर तालपुर साहब मिल गए हैं. अच्छा बच्चों दो मिनट का आप लोगों से देख लूंगी. आप लोग बैठो मैं कुछ वापस सवाल कर लूँ. तैमूर साहब मैं सबसे पहले उस इशू पे आऊँ जो हम पिछले दिनों करते ही रहे और अभी भी कर ही रहे हैं और सफर भी कर रहे हैं. लोड शेडिंग गैर ऐलानिया वो भी हो रही है. आवाम जिस तरह परेशान है जिस तरह गुजर रही है वो भी हम देख रहे हैं. कारोबार ठप हुए हुए हैं. लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है. और हमने यहाँ तक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि इन तमाम चीज़ों की वजह से एक आम इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ता है. जब वो सोएगा नहीं तो वो कितना चिड़चिड़ा होगा. उसके बच्चे उसकी बीवी उसका ख्याल रख सकते हैं. व्हाट इज द सॉल्यूशन. मैंने एक पोस्ट देखी थी बीवी से. क्या उसमें की का जो हेड ऑफिस है मेन ऑफिस है उसकी तस्वीर थी. Okay. और उस पर बहुत बड़ा लिखा था के ई कराची लिख. और ऊपर कमेंट लिखा हुआ था कि मेरे रूसी भाइयों ये यूक्रेन की बिल्डिंग है हमला करो. तो सबके ये तासुरात हैं की के लिए. देखिए आपने अभी इशू पूरा नहीं बताया. लोड शेडिंग अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग एंड देन आफ्टर द अनशेड्यूल्ड दे गिव यू कट्स. और प्लस महंगी भी करते जा रहे हो. तो आप एक चीज महंगी भी करते जा रहे हैं हमारी रीच से भी दूर लेके जा रहे हो. दिस इज दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड. इसमें ऑफकोर्स हुकूमत का भी किरदार है. बट की इज इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी. बाकी मुल्कों में ये क्यों नहीं होता है और हमारे पास क्यों होता है. देयर इज नो कॉम्पिटिशन. जरदारी साहब ने अभी प्रेजेंट जरदारी ने डिस्कस किया है एडवाइस किया है शहबाज शरीफ साहब को कि बाकी जो चीज़ें हम वॉर फुटिंग पे कर रहे हैं आप एक और चीज़ भी करें. वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू कम एंड ओपन अदर कंपनीज अदर देन के शुड प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी.
फिर क्या होगा, आपका कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में। फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, फिर आप टी से तो नहीं लेंगे, आपका जब चॉइस होगी कि ए बी और सी से बी लेंगे, आप देखिए सबसे कम लोड शेडिंग किसकी है। और कंपटीशन के बाद एक और चीज हो जाएगी, प्राइसेस भी थोड़ी नीचे आ जाएंगे। इनके प्रॉफिट मार्जिन इतने हैवी हैवी होते हैं, जो कि इतना हैवी प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है फिर भी कीमतें बढ़ा रहा है, तो दैट हैज टू कम डाउन।